दोस्तों आज हम बात करेंगे मार्केटिंग की कि आखिर क्यों मार्केटिंग बेहद जरूरी है। दोस्तों हमारे देश में 95% बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं, एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं या फिर इंडिविजुअल्स भी ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि मार्केटिंग वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे आप एग्री कर जाएंगे कि आखिर मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये बात साल 2006 की है जब महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट में एक उभरता हुआ स्टार थे। लोग उन्हें सचिन के बाद एक नया एडवर्टाइजिंग का स्टार भी देख रहे थे लेकिन धोनी खुद खुश नहीं थे। तब धोनी की जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी थी उसने धोनी से पूछा कि अब हम कैसे आपकी मार्केटिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, हम आपको आगे और कैसे बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। तो धोनी के माइंड में भी यही टेंशन थी। धोनी कह रहे थे कि हमें कुछ अलग से हटके करना होगा। तो धोनी ने कुछ क्रिएटिव लोगों को बुलाया, कुछ मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स को बुलाया। तो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने धोनी को यह बात कही कि आपको अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म निकालना होगा। लोग आपको महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते हैं लेकिन ये जो महेंद्र सिंह धोनी है ये थोड़ा पुराना सा, थोड़ा सा आउटडेटेड सा लगता है। अगर आपको आज के टाइम पे अपने को बड़ा ब्रांड बनना है तो थोड़ा अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म आपको निकालना पड़ेगा। तब धोनी ने बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट से बात करी और अपना नाम MS कर दिया। और ये वर्ड MS इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। धोनी अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी से ज़्यादा MS के नाम से या MSD के नाम से ज़्यादा कहलवाना पसंद करते हैं। और इसका रीज़न भी साफ है कि आखिर वो वर्ड MS या MSD क्यों ना यूज़ करें जब उन्हें मार्केट से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मार्केटिंग के 5 बड़े फ़ायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ लोगों को ये लगता है कि जो मार्केटिंग होती है वो वेस्ट ऑफ टाइम मनी और माइंड होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये मार्केटिंग होता है इससे आपके रिलेशनशिप आपके क्लाइंट के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अगर आप लगातार मार्केटिंग कराते हैं तो सबको ये पता चलता है कि आखिर ये कंपनी या आखिर ये इंडिविजुअल मार्केट में नया क्या कर रहा है। दोस्तों आज के टाइम पे मार्केटिंग करना बहुत महंगा काम नहीं रह गया है। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि मार्केटिंग करना अब बहुत आसान हो गया है और बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं भी रहा है और आपके बजट के हिसाब से भी मार्केटिंग हो सकती है। मार्केटिंग सस्टेन्स योर बिजनेस। दोस्तों कभी आपने ये बात फील करी है कि आपको जिंदगी में जीने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है? जी, आपको जिंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तो वो होती है फूड की, यानी खाने की। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप जिंदगी जी भी नहीं पाएंगे। उसी तरह आपको अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए मार्केटिंग करना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि शरीर को खाने की जरूरत होती है वैसे ही बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत होती है। एक कहावत बहुत मशहूर है, डेट फूड इज इंपॉर्टेंट देन मेडिसिन। यानी आप मेडिसिन के बिना तो जी सकते हैं लेकिन खाने के बिना आप नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। मार्केटिंग हेल्प्स इन सेल्स। दोस्तों ये बात मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिन्हें लगता है कि वो बिना मार्केटिंग किए अपने सेल्स को आगे बढ़ा पाएंगे, जिन्हें लगता है कि जो मार्केटिंग होती है वो वेस्ट ऑफ मनी होती है। देखिए, अगर आपको हायर रेवेन्यूज हासिल करने हैं, हायर सेल्स को हासिल करना है तो आपको अच्छी मार्केटिंग करनी भी होगी। किसी को ये पता तो चलना चाहिए कि आखिर आप काम क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच क्या रहे हैं। अगर अच्छी मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स उसी लेवल पे रहेगी जो आज से 10 साल पहले थी और देखते ही देखते आपका बिजनेस या तो सिमट कर रह जाएगा या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मार्केटिंग एंगेजेस योर क्लाइंट। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी किसी बड़े शॉप से कोई सामान खरीदते हैं, कोई कपड़े खरीदते हैं, कोई वॉचेस खरीदते हैं या फिर कोई गाड़ी खरीदते हैं, आपको हमेशा वहां से कोई ना कोई ईमेल या SMS आता होगा। और इसके पीछे वजह यह होती है कि वो जो वेंडर हैं वो आगे भी आपको एक पोटेंशियल क्लाइंट के रूप में देख रहे होते हैं और वो आपको हमेशा या तो आपके बर्थडे पे या फिर आपके एनिवर्सरी पे वो आपको कभी भी विश करना नहीं भूलते हैं, चाहे वो मेल के थ्रू हो चाहे वो SMS के जरिए हो। मार्केटिंग इक्वल्स यू। दोस्तों आपने ये बात देखी होगी कि बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े मार्केटिंग बजट्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के भी होते हैं। लेकिन मैं स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपके पास भी मार्केटिंग करने के कई अच्छे तरीके हैं। आप कम से कम न्यूज़पेपर में एक ऐड तो दे सकते हैं, आप कम से कम किसी मैगजीन में, डिजिटल पेपर में अपने बारे में लोगों को बता तो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी मार्केटिंग के बारे में ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। और आप लोग आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के ही आज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।